सीतापुर में तंबौर इलाके के मार्ग और गलियां शुक्रवार को जयकारों से गुंजायमान होती। लाल परिधानों से सुसज्जित, हाथों में थामे लाठियां युवाओं की टोली धर्म पथ पर बढ़ी तो क्षेत्र में वातावरण भक्तिमय हो गया। मौका था गोला गोकर्णनाथ के लिए जा रही कांवड़ यात्रा का। क्षेत्र के बैरागीपुर से जल भरकर कांवड़ियों का जत्था रतनगंज स्थित शिव मंदिर से गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। प्रसिद्ध संत त्यागी महाराज की अगुवाई में हजारों कांवड़िया हर हर महादेव का जय घोष करते हुए गोला गोकर्णनाथ के लिए चल पड़े। इस कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में कांवड़िया शामिल हुए। इस बार रतनगंज घाट पर कटान हो जाने की वजह से बैरागीपुर घाट पर जल भरने की व्यवस्था का आयोजन समिति के उदय प्रताप सिंह व जगमोहन गुप्ता की तरफ से की गई थी। आई इंडिया के बेहटा संवाददाता सलिल श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंच कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों से बातचीत की। देखे या ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मेरा नाम अनिल शुक्ला, मैं 11-13 साल से कांवड़ लेके गोला गोकर्णनाथ को जा रहा हूँ। आज मैं जल भरके गोला गोकर्णनाथ के लिए जा रहा हूँ। सोमवार को मैं जल अभिषेक करूँगा। मौलाना पंकज मंसरा है, हम लोग सूर्य पारा कांवड़ कमेटी से जा रहे हैं और गत करीब करीब 15-16 वर्षों से हमारी कांवड़ कमेटी सूर्य पारा से जाती है, गोला गोकर्णनाथ के लिए प्रस्थान करती है। त्यागी महाराज जी के संरक्षण में हम लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं। आज हमारा प्रथम पड़ाव नगहा में रहेगा, केवलपुरवा इंटर कॉलेज में, और दूसरा पड़ाव खरधान में रहेगा, और तीसरा पड़ाव गोला में रहेगा। हम लोग गाजे बाजे के साथ हर साल त्यागी जी के संरक्षण में कांवड़ कमेटी लेकर के जाते हैं। हमारे साथ में करीब करीब 300-400 लोग हर साल कांवड़ यात्रा में जाते हैं, और हम लोग सावन के आखिरी सोमवार में जल चढ़ाते हैं हमेशा। कन्यावती मेरा नाम है, अद्वारी से आए हैं, गोला जा रहे हैं। किशन और हमारे माँ बेटे जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। मेरा नाम पप्पू है, कानपुर से आया हूँ, यहाँ से जल भरे हुए गोला को जा रहे हैं। आप गोला कब पहुँचोगे? सोमवार। कितने सालों से आप जा रहे हो कांवड़ लेकर के? 6-7 साल। संत रतन गम से हजारों हजार की संख्या में कांवरिया जल भर करके यहाँ से कोटिकासी गोला के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही, देर रात से ही यहाँ लोगों का यहाँ रतनगंज में आना प्रारंभ हो गया था, और लोग यहाँ पर स्नान ध्यान करके जल भर के जलाभिषेक के लिए यहाँ से जल भर कर कांवर लेकर के यात्रा में निकल चुके हैं, और बहुत से लोग अभी पीछे यात्रा में आ रहे हैं। त्यागी बाबा भी सुबह 9 बजे यहाँ पर से गांजर चौराहे पर थे, और गांजर चौराहे पर से कोहरिया कुटी पर पहुँचे हैं। कोहरिया कुटी से पेट्रोल टंकी सुमली पे पहुँचेंगे, उसके बाद कलनापुर में जो कुटी है वहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद में डाले सिटुआ शिव मंदिर पर पहुँचेंगे। ऐसे पहुँचते पहुँचते शाम तक उनका पड़ाव जो रहेगा वो शाम को लहरपुर में केम का इंटर कॉलेज में है, जहाँ पर इनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है तहसील प्रशासन के द्वारा। और बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हम देख सकते हैं कि पिछले वर्षों की बात, इस वर्ष भी तमाम कांवरिया कांवर लेकर के निकल चुके हैं, और ये सोमवार को कोटिकासी गोला में जलाभिषेक करेंगे। हम आपको बता दें कि विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी सावन के आखिरी सोमवार को, जैसे विगत वर्षों में निकलती है कांवर यात्रा त्यागी बाबा महाराज की, वैसे ही आज रतनगंज से त्यागी बाबा जी के नेतृत्व में 11,000 कांवरिया निकल चुके हैं। हर हर बम बम का जय घोष करते हुए लगातार वो पहुंच रहे हैं, और मैं आपको इंडिया के माध्यम से पूरी यात्रा कांवर यात्रा का सीधा प्रसारण आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन विनीत के साथ में इंडिया के लिए मैं सुनील सिंह। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।